नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद निकुंज पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2019 से रिलेटेड जो करंट मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज आपसे हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा लेट हो गए, जो 15 तारीख था उसका वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए सॉरी, उसके लिए आपसे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं। तो देखिएगा, अभी आपको बता देते हैं, अभी हाल ही में एक्जिम बैंक, कौन सा बैंक, एक्जिम बैंक के द्वारा एक 124 मिलियन यूएसए डॉलर का एक समझौता किया गया है। और वो समझौता किसके बीच में हुआ, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल, ये दोनों देशों के साथ मिलकर, दोनों देशों के साथ इस एक्जिम बैंक ने एक समझौता किया है। और कितने रुपए का किया है, 124 मिलियन यूएसए डॉलर का एक समझौता किया गया है। किसके मध्य हुआ है, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल, दोनों देश, इधर है एक्जिम बैंक। अब जो एक्जिम बैंक है, इसका पूरा नाम आना चाहिए सबसे पहले तो हमारे को, तो एक्जिम बैंक का पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या नाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और एक्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक्जिम बैंक का, वो कौन है, डेविड रस्किना। कौन है, डेविड रस्किना। बात करते हैं, अब जो एक्जिम बैंक ने जो समझौता किया है ये किसके साथ किया है, एक तो पापुआ न्यू गिनी देश है और एक सेनेगल के साथ किया है। तो सेनेगल एक अफ्रीकन देश है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। क्या है, डकार है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पश्चिम अफ्रीकन फ्रेंक। क्या नाम है, पश्चिम अफ्रीकन फ्रेंक नाम है। और यहाँ के जो सेनेगल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मैको सोल। कौन है, मैको सोल यहाँ के प्रेसिडेंट है वर्तमान में सेनेगल के। अब बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी देश की, तो पापुआ न्यू गिनी देश की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी देश की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी किना। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, पापुआ न्यू गिनी में कौन सी मुद्रा चलती है, पापुआ न्यू गिनी किना उसका पूरा नाम है। और यहाँ पे सम्राट भी है, तो यहाँ का जो सम्राट है, राजतंत्र शासन है यहाँ पे, पापुआ न्यू गिनी का जो सम्राट है उसका नाम क्या, एलिजाबेथ टू। क्या नाम है, एलिजाबेथ टू इसके सम्राट का नाम है। और बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, वो है माइकल ओगियो। कौन है, माइकल ओगियो है, ये आपको याद रखना है इनके साथ में। एक्जिम बैंक के बारे में आपको बता दिया गया, इसके साथ ही आपको पापुआ न्यू गिनी देश के बारे में भी समझा दिया गया है, सेनेगल देश के बारे में समझा दिया गया। और समझौता कितने रुपए का हुआ है, 124 मिलियन यूएसए डॉलर का हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में मेघालय के द्वारा जल नीति बनाई गई है। क्या बनाई गई है, जल नीति बनाई गई है, जल के बचाव के लिए, जल का कैसे प्रयोग करना चाहिए उससे रिलेटेड एक नीति बनाई गई है। तो ऐसी नीति बनाने वाला, यानी कि जल नीति बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, उस राज्य का नाम क्या है, मेघालय। क्या है, मेघालय। अब मेघालय राज्य चर्चा में आ जाता है, तो मेघालय के बारे में हमारे को सामान्य जानकारी होना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं, मेघालय स्टेट की बात करते हैं, तो जो मेघालय स्टेट है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। और मेघालय में आपको पता है जो लोकसभा की सीटें कितनी जाती है, दो, राज्यसभा की सीटें एक, और विधानसभा की सीटें कितनी है, वहाँ पे 60 है। और मेघालय की राजधानी बता दी गई आपको, शिलोंग बता दी गई। और मेघालय का जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है वो कौन है वर्तमान में, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के, तो कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा है। और मेघालय के वर्तमान में जो गवर्नर है, वहाँ के जो राज्यपाल है, उनका नाम है तथागत राय। और मेघालय का जो राज्य पशु है, मेघालय के राज्य पशु का नाम है धूमिल तेंदुआ। क्या है, धूमिल तेंदुआ। और पक्षी, यहाँ की मेघालय का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है पहाड़ी मैना। और बात करते हैं यहाँ का जो सीमा है, मेघालय भारत के कौन से स्टेट से सीमा लगाता है, तो ये सिर्फ असम के साथ सीमा लगाता है। भारत का एक और स्टेट ऐसा है जो सिर्फ एक स्टेट से दूसरे से सीमा लगाता है, सिक्किम सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। भारत का जो स्टेट है उससे कौन से लगाता है, सिक्किम पश्चिम बंगाल से लगाता है। इसी प्रकार मेघालय भी सिर्फ एक स्टेट से सीमा लगाता है, वो किसे लगाता है, असम से लगाता है। और मेघालय को ध्यान रखिए, मेघालय को
पूरू का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता था, मेघालय पूरू के स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता था, आपको यह पता होना चाहिए। मेघालय में ही ध्यान रखना, जो विश्व का सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है चेरापूंजी, जिसको आप पहले बोलते थे लेकिन अभी मौसिनराम में होती है, जो मौसिनराम जो स्थान है वो कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय कहाँ पर, भारत में। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है, जो वर्षा होती है, वो कहाँ पर होती है, मौसिनराम में होती है, यह या आपको याद रखना है। और वो कहाँ पर है, मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय में ही तीन प्रमुख पहाड़ियाँ है, जो तीन उनका नाम है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़िया है, और इसमें इस नाम की जनजाति भी पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया। जो गारो खासी जयंतिया पाई जाती है कौन से स्टेट में है, मेघालय में। इन ये सब आपको मेघालय के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं इसके अलावा, अभी हाल ही में दो थीच नॉर्थ हॉर्न, कौन है, थीच नॉर्थ हॉर्न, जो कि एक मंडेला नीति या गांधीवादी नीति का है, जो वैश्विक आध्यात्मिक नेता बोल सकते हो आप इसको, थीच नॉर्थ हॉर्न को, या इसको बोल सकते हो वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करता है। और इसके अलावा एक कवि भी है थीच नॉर्थ हॉर्न, इसको अभी हाल ही में जो 2019 का गांधी मंडेला शांति पदक से सम्मानित किया गया है, वो किसको किया गया, थीच नॉर्थ हॉर्न को किया गया। किसको, थीच हॉर्न को किया गया, आपको नाम याद रखना है। और इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो विमल्डन ग्रैंड स्लैम हुआ है अभी हाल ही में, इसमें पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में किस किन कौन जीते हैं, इनमें इनका पता होना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में जो विमल्डन ग्रैंड स्लैम हुआ है 2019, इसमें महिला एकल वर्ग में तो सिमोना हालेप, किसने, सिमोना हालेप है, जो कि रोमानिया की है, कहाँ की है, रोमानिया की है, इन्होंने जीत हासिल की है। और पुरुष वर्ग में, पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के रहने वाले, सर्बिया के रहने वाले, इन्होंने इसमें जीत हासिल की है, इन्होंने जीता है। पुरुष एकल विमल्डन ग्रैंड स्लैम तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और सिमोन हालेप, जो कि रोमानिया की रहने वाली है, इसने महिला एकल विमल्डन ग्रैंड स्लैम जीता है। देखिए, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये टेनिस जो प्रतियोगी परीक्षा, सॉरी टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये चार होते हैं साल में। कितने होते हैं, 2019 में जो चार होंगे, यानी कि प्रत्येक ईयर में कितने होते हैं, चार होते हैं। इन चारों के नाम क्या क्या है, एक तो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम, जो कि रबर या प्लास्टिक के ग्राउंड पे खेला, कोर्ट पे खेला जाता है। इनके अलावा बात करते हैं दूसरा कौन सा खेला जाता है, दूसरा खेला जाता है फ्रांस, पहला तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, और तीसरा विमल्डन, और चौथा यूएसए ओपन। ये चार ग्रैंड स्लैम है, पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रांस होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएसए होगा। देखना, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, फ्रांस हो चुका है, विमल्डन भी हो चुका है, आगामी कौन सा होगा, अब यूएसए होगा, आने वाले समय में कौन सा होगा, यूएसए होगा। इनके अलावा बता देते हैं कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो रबड़ और प्लास्टिक पे खेला जाता है, और यूएसए भी किस पे खेला जाता है, इस पे, रबड़ और प्लास्टिक वाले पे, रबड़ बोल सकते हो, प्लास्टिक वाला बोल सकते हो उसको, इन पे खेला जाता है। और जो फ्रांस होता है, जो फ्रेंच, मतलब इसको फ्रांस जो आप बोल सकते हो, फ्रांस ग्रैंड स्लैम, जो फ्रांस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इसको, ये जो होता है ये किस पे होता है, मिट्टी या क्ले कोर्ट पे होता है। और जो विमल्डन होता है वो किस पर होता है, घास के कोर्ट पे होता है, घास के मैदान कह सकते हो आप इसको। देखना, तो अभी हाल ही में कौन सा हुआ, विमल्डन ग्रैंड स्लैम हुआ है टेनिस का। जो टेनिस का विमल्डन ग्रैंड स्लैम हुआ है, इसमें पुरुष एकल वर्ग में, किसमें, पुरुष एकल वर्ग में किसने हासिल, जीता किसने, इन्होंने नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और इसमें हराया किनको, इन्होंने हराया रोजर फेडरर को। किसको, रोजर फेडरर को हराया, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। रोजर फेडरर है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इसी प्रकार इसमें बात करते हैं फीमेल वर्ग में, महिला एकल वर्ग में जीतने वाली महिला का नाम क्या है, सिमोना हालेप, क्या नाम है, सिमोना हालेप इनका नाम है, जो कि रोमानिया की रहने वाली है। और इसमें हरा कौन है, इसमें कौन सी महिला आ रही है, तो उसका नाम है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। इनके अलावा आपको जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनके बारे में अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें अच्छी तरह आपको समझा दिया जाएगा, अभी तो आप इतना ही याद रख लीजिए।
देखिए बात करते हैं, अभी हाल ही में रूस के द्वारा, कौन से देश के द्वारा, रूस के द्वारा स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्रम आरजी लॉन्च किया है। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, कभी हाल ही में स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्रम आरजी कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च कौन से देश के द्वारा किया गया है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब रूस के बारे में आपको सामान्य जानकारी पता होना चाहिए, रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के राष्ट्रपति है, वो व्लादिमीर पुतिन है, और रूस का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, दिमित्री मेदवेदेव है। रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा नाम से जाना जाता है। रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। क्या नाम है? रूबल। और एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो भी कौन सा है? रूस ही है। तो ये आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं रूस से रिलेटेड। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा गाफा कर लगाया गया। कौन सा कर लगाया गया? गाफा कर। देखिए गाफा कर है क्या, ये क्या होता है, वैश्विक स्तर की जो डिजिटल कंपनियां चार, कितनी, जो चार डिजिटल कंपनियां उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। और ये जी का मतलब यहाँ पे लिया गया गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल। इन चार कंपनियों के ऊपर फ्रांस सरकार ने टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है कि अगर ये कंपनियां फ्रांस में अपना व्यापार करती है और तो इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। फ्रांस से जितनी कुल इनकी राजस्व की जो आय होती है, राजस्व आय का 3% इनसे टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। ये घोषणा किसने की है? फ्रांस सरकार ने की है। किसने की है? फ्रांस सरकार ने की है। अब फ्रांस देश भी चर्चा में आ जाता है, तो फ्रांस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो फ्रांस देश है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम यूरो है, और फ्रांस में जो लैंग्वेज यूज लेते हैं उसका नाम फ्रांसीसी है। और बात करते हैं फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उसका नाम है इमैनुएल मैक्रोन, और फ्रांस के जो पीएम है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, उनका नाम है इडियार्डो फिलिपे। क्या नाम है? इडियार्डो फिलिपे वहाँ के प्रधानमंत्री है। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसमें यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पेरिस में, जो कि वो भी कहाँ पर है? फ्रांस में। इसके अलावा बात करते हैं, अभी हाल ही में MACN, क्या MACN, इसका पूरा नाम आपको मिलेगा द मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। क्या नाम मिलेगा? द मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, इसका पूरा नाम है द मेरी, आपको क्या नाम बताया इसका? द मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क ने भारत में अभी हाल ही में पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। देखिए ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, जो वैश्विक स्तर की कुछ कंपनियां हैं, 100 से अधिक यानी 110 के लगभग है, उन कंपनियों का एक समूह है और वो काम करता है, जितने भी पोर्ट होते हैं, जितनी भी समुद्री कंपनियां हैं, उनमें अगर कोई करप्शन होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उसको रोकने के लिए काम करती है MACN। क्या नाम है? MACN, और इसको पूरा नाम है द मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, इसका पूरा नाम है। आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है। अब देखना paisabazaar.com, क्या paisabazaar.com और सैमसंग के मध्य अभी हाल ही में एक समझौता किया गया है, तो समझौता हुआ paisabazaar.com। अब paisabazaar.com है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, वो कब से हुई है? 2011 से। और paisabazaar.com का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? गुड़गांव में है। कहाँ पे? गुड़गांव, गुरुग्राम, कुछ ही बोल सकते हो। जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। सैमसंग कंपनी के आप मोबाइल्स और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो चलाते हैं, अच्छी कंपनी है वैसे उन्हें को। तो देखिए जो सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। सैमसंग कंपनी की स्थापना हुई थी 1938 में, इसकी स्थापना हुई थी। सैमसंग कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो सियोल में है, जो कि दक्षिणी कोरिया में स्थित है। आप इस प्रकार से बोल सकते हो सैमसंग दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। और सैमसंग के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है ली कुन बू। कौन है? ली कुन बू। और सैमसंग की जो कंपनी है उसने अभी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री खोली है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में खोली है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
देखना, जो TVS कंपनी है उसने अभी हाल ही में अपनी एक मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो 100% इथेनॉल पर आधारित है, और उस मोटरसाइकिल का नाम है अपाची ऑर्टी मोटरसाइकिल इसने लॉन्च की है। किसने? TVS ने। तो ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? TVS। कौन सी कंपनी बन गई? TVS कंपनी बन गई। अब TVS कंपनी के बारे में आपको ये जानना है, जो ये TVS कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो TVS कंपनी की जो शुरुआत या स्थापना की बात करते हैं तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। और बात करते हैं जो इसका TVS का हेडक्वार्टर आ गया, चेयरमैन कौन है इसका? बेन्यू श्रीनिवासन। कौन है? बेन्यू श्रीनिवासन है। और बात करते हैं आगे ICSI, क्या? ICSNSI यानी कि इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, इंडियन देखना इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो आप इसका। ICSI ने अभी हाल ही में UDIN की शुरुआत की है। तो ICSI का जो पूरा नाम है वो क्या है? इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। क्या बोलते हैं? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इसका हिंदी में नाम है। इसने अभी हाल ही में UDIN की शुरुआत की। UDIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक क्या नाम है इसका? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको याद रखना है। हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसने अभी हाल ही में इसकी शुरुआत कर दी है। अभी देखना जो भारत के जो मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के कुछ वैज्ञानिक है, मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ब्लैक गोल्ड विकसित किया है। क्या किया है? ब्लैक गोल्ड विकसित किया है। तो ऐसा करने वाले कौन सी इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया ये कार्य? तो ये किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है, इसने ये कार्य किया है। और ये ब्लैक गोल्ड होता है क्या है? देखो काला सोना, काला इसका हिंदी में क्या होता है? काला सोना। काला सोना किसको बोलते हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए, कोयले को भी बोलते हैं, लेकिन ये कोयला नहीं है, ये दूसरे है। जैसे जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसके जो बारीक बारीक कण होते हैं उनसे बनाया गया है। इसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना, उसके अलावा जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसको मैथेन गैस होती है मैथेन में परिवर्तन करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तन करना? CH4 यानी कि मैथेन में परिवर्तन करने का कार्य। देखिए ये जो ब्लैक गोल्ड है इसका कार्य क्या है? CO2 को किसमें? CH4 यानी कि मैथेन गैस में परिवर्तन करने का कार्य करेगा ये। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अभी हाल ही की एक रिपोर्ट आई है होमिसाइड यानी कि मानव हत्या की जो दर आई है उसमें कितनी प्रतिशत की कमी की गई है, कमी आंकी गई है। तो यह कमी आंकी गई है कितनी? 10% की, यानी कि जो पहले मानव हत्या हो रही थी और अभी कितनी आंकी गई उससे जो 10% वो कम कर दी गई। ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? UNODC। किसने? UNODC के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया जो मानव हत्या होती है होमिसाइड की जो दर है जो कितनी हो गई है? 10% कम कर दी गई है जो होती थी उसमें से। अभी UNODC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका पूरा नाम है। इस UNODC की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1997 को हुई थी, और यानी कि 14 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। UNODC का जो हेडक्वार्टर है वो वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। और बात करते हैं जो इसके अभी हाल ही में UNODC के जो कार्यकारी निर्देशक है वो कौन है? यूरी फेडोटोव। कौन है? यूरी फेडोटोव इसके कार्यकारी निर्देशक है। आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। बात करते हैं आगे, अभी हाल ही में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है उसमें राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब बताई गई है, कमजोर बताई गई है। देखिए 100 अंक निर्धारित किए गए, 100 में से जिसको 60 में से कम
60 से कम अंक मिलेंगे या 60 तक मिलेंगे वो कमजोर वर्ग में आएंगे, कमजोर में शामिल किया गया है। तो राजस्थान को 100 में से 43 अंक प्राप्त हुए, तो राजस्थान कमजोर श्रेणी में ये काउंट हो रहा है। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा अंक किसको प्राप्त हुए, तो सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त हुए गोवा को हुए, कितने हुए 84, उससे कम गुजरात को 79, उससे कम महाराष्ट्र को 77 प्राप्त हुए। देखिए ये जो अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है और 5 पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी 2011 में, अगस्त 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके अलावा देखना अभी हाल ही में जो थार सम्मान दिया गया है, वो थार सम्मान अभी बीकानेर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था 13 जुलाई 2019 को, जिसमें थार विरासत संस्थान बीकानेर ने एक कार्यक्रम किया, उसमें जो नेमीचंद गहलोत जी है जो साहित्यकार है इनको थार सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही में बजट में घोषणा की थी कि पंचायत स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापित किया जाएंगे, जिससे आवारा पशु है उनसे निजात की जो समस्या है, उनकी जो समस्या है उससे निजात पाया जाएगा, तो वो पंचायत स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में जापान ने सौर प्रणाली की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो किया गया है जापान के द्वारा, और कार्य क्या करेगा, सौर प्रणाली की उत्पत्ति का पता लगाने का ये कार्य करेगा। बात करते हैं जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है, डाइट, किस नाम से जाना जाता है, डाइट नाम से जाना जाता है। और जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो कौन है, शिंजो एबे, ये आपको याद रखना है।